आपके एमपी कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर जा रहे हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़, जहां पर रूबरू कराएंगे राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा सांसद रोडमल नागर से। रोडमल नागर का जन्म 15 दिसंबर 1960 को रायपुरिया गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में हुई थी और हायर सेकेंडरी करने के बाद इन्होंने माधव कॉलेज उज्जैन से बीएससी की डिग्री हासिल की। इसके बाद कई सालों तक संघ में सक्रिय रहे। 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें राजगढ़ का अध्यक्ष बनाया। 2006 तक इस पद पर रहे। रोडमल नागर ने 2005 में पहली बार पंचायत का चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन्हें राजगढ़ से प्रत्याशी बनाया और ये पहली बार 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव जीत कर आए। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी नारायण सिंह को 2,28,000 वोटों से हराया था। रोडमल नागर लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचित। वहीं दूसरी ओर 2019 में एक बार फिर से इसी सीट से रोडमल नागर ने जीत हासिल की और 2019 में रोडमल नागर ने कांग्रेस के प्रत्याशी मोना सुस्तानी को 4,00,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी थी। तो आइए बात करते हैं रोडमल नागर से राजगढ़ को अग्रणी और आकांक्षा आत्मनिर्भर बनाने में जुटे मध्य प्रदेश सांसद रोडमल नागर की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर, आपसे मेरा सवाल है, आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी देखा जाए तो तैयारियों में जुटी है, लेकिन यदि आपके संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं या फिर ऐसे कौन से काम हैं जो आपने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए किया हो? देखिए, हमारे संसदीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश का राजगढ़, इसको काला पानी जैसा कहा जाता था। हकीकत में हमारा जो क्षेत्र है, वहाँ सबसे बड़ा वहाँ का जो दंश था वो था पलायन 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 पलायन। मजदूर पलायन करता था, विद्यार्थी पलायन करता था, व्यापारी पलायन करता था। हम इलाज के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, पेट पालन के लिए लगातार पलायन करते थे। और हमारा आधा क्षेत्र ऐसा था कि साल में 3 से 4 महीने जिसको अपना घर कहें उस अपने घर में रहता था, बाकी अपने बच्चों को पीठ पर बांध करके, अपने 4 मवेशियों को लेकर के अपने ही क्षेत्र में दर दर की ठोकरें खाता फिरता था। घर के ताले नहीं लगाता था क्योंकि घर में दरवाजे नहीं होते थे। और जो अपना घर जिसको कहते हैं, पानी था नहीं, सड़कें थी नहीं, बिजली थी नहीं, रोजगार के साधन थे नहीं, पूरा पहाड़ी क्षेत्र। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार आई है, इसके पहले भी हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, उस पूरे पहाड़ी क्षेत्र को, वहाँ पर 5-5 नदियाँ निकली, लेकिन कोई कुछ नहीं था। हमने वहाँ पर बड़े बड़े वाटर टैंक बनाए। आज स्थिति ये है कि लगभग 15,000 करोड़ के हमने वहाँ पर वाटर टैंक बनाए पिछले 7-8 साल में, 15,000 करोड़ के। और मैं कहूँ कि लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन नई सिंचित की है हमने, जहाँ पर इस समय मई जून जैसी गर्मी झलझल झलझल करता था, जहाँ घास का तिनका बरसात में नहीं उगता था, वहाँ पर उन पहाड़ियों पर आज गेहूं की फसलें लहलहा रही है। ये विकास ये हमने किया है, हमारी पीड़ा थी, हमने किया है। ये कहें कि आज से 8 साल पहले हमारे अपने क्षेत्र में 70,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न पैदा होता था, 70,000 मेट्रिक टन। हमने पिछले साल 4.5 लाख मेट्रिक टन अनाज पैदा किया है और आने वाले 2 वर्षों में 12 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न पैदा करने का हमारा टारगेट है और हम करके रहेंगे। 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन हम नई सिंचित करने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने
पूरे मध्य प्रदेश का हमारा व्यावसायिक महाविद्यालय, पहला व्यावसायिक महाविद्यालय हमने राजगढ़ में प्रारंभ करवाया। आदर्श महाविद्यालय हमने राजगढ़ में शुरू करवाया। मेडिकल कॉलेज हमने राजगढ़ में शुरू करवाया। रेलवे जो बहुत पुरानी प्रतीक्षारत रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन थी, लगातार उसकी आवाज़ उठाते रहे। 2013 में रामगंज मंडी भोपाल को झालावाड़ तक ला करके ड्रॉप कर दिया गया था। हमने फिर से यहाँ आवाज़ उठाई आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फास्ट ट्रैक में उसको फिर से लिया गया और आने वाले 2 वर्ष में 4-54 करके जितना बजट उसमें चाहिए पूरा बजट स्वीकृत कर दिया। पूरी जमीन का अधिग्रहण हो गया, जोरों से काम चल रहा है। 1 से 2 साल में हम रामगंज मंडी से भोपाल, कोटा से भोपाल सीधी रेल लाइन हो जाएगी, ब्यावरा जंक्शन हो जाएगा, विद्युतीकरण मक्सी गुना को हमने करवाया। राष्ट्रीय राजमार्ग आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में 4-54 हो गए हैं। हमारा ब्यावरा से लेकर के भोपाल का वो 1000 करोड़ का था, ब्यावरा से गुना का लेकर के 1100 करोड़ का था, ब्यावरा से मक्सी का 1500 करोड़ का था, ब्यावरा से राजगढ़ का 700 करोड़ का था और कुल मिला करके 7-8 राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ ऐसे बने हैं जो 4-54 हो गए हैं आज। तो रेलवे की सुविधा हो गई, पानी की सुविधा हो गई, हाईवे की सुविधा हो गई, बिजली में भी हमने NTPC से वहाँ सौर ऊर्जा के माध्यम से काम खड़े करवाए हैं और छोटे छोटे लोगों को SHG स्व सहायता समूह की बहनें, इनका जीवन कैसे ऊंचा उठे, इनके जीवन में कैसे खुशहाली आए, इसके लिए हमने आयाम खड़े किए हैं। वहाँ पर हमने 15,000 समूह खड़े किए हैं और 15,000 समूहों में 1.5 लाख के लगभग महिलाएं हैं, बहनें हैं और उनको जो चाहे उनकी बड़ी होगी, उनके पापड़ होंगे, उनका अचार होगा, उनकी अगरबत्ती होगी, उनके जो सामान बनाती हैं सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, वो उनको उचित सही जो है रॉ मटेरियल भी मिले, उसकी पैकेजिंग भी हो, उसकी क्वालिटी कंट्रोल भी हो और उसकी मार्केटिंग भी हो, वो बिके भी, इसके लिए इसके हमने आउटलेट बनाए हैं। और आजीविका मार्ट जगह जगह नगरों में हमने आजीविका मार्ट, जैसे मार्ट रहते हैं अलग अलग, जैसे आजीविका मार्ट केवल वो स्व सहायता समूह की बहनें जो सामान बनाती है वही हमने वहाँ पर जो स्टॉल बना करके रखे हैं और लोग वहाँ से खरीदते हैं अपना सामान है, तो सेव होगा, बिस्किट होगी, पापड़ होगा, बड़ी होगी, अचार होगा, तेल होगा, मंजन होगा, साबुन होगा, अगरबत्ती होगा, ये सारे सामान हमारे जो हम दैनिक उपभोग में लेते हैं हमारा बनाया हुआ सामान हम स्वयं खरीदें, तो आत्मनिर्भरता की ओर भी हमने जो है वो पर्याप्त उसकी जो है दिशा में हम बढ़े हैं। टूरिज्म के जैसे जैसे उत्पादन होगा, टैंक कैपेसिटी ठीक होगी तो टूरिज्म के लिए भी हम वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए तमाम तरह के आयाम जो है, पहले विद्यार्थी बाहर जाते थे पढ़ करके आते थे तो फिर से जो है वो अवसर की तलाश में बाहर जाते थे, तो उनके लिए भी अब प्रसंस्करण जो हमारे यहाँ उपज होती है, हमारे जो फसलें होती है उनके प्रसंस्करण कैसे हो, वहाँ का व्यापार व्यवसाय बढ़ा है, जो व्यापारी पलायन करते थे वो वहीं पर रुकने लगे हैं। अब ये स्थिति हो गई है कि हम लोग पलायन करके दूसरी जगह जाते थे रोजगार की तलाश में, आज स्थिति ये है कि लोग दूसरी जगह से हमारे राजगढ़ क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए आ रहे हैं। तो क्या आपको भरोसा है कि 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की देश में वापसी होगी? बिल्कुल वापसी होगी, बिल्कुल वापसी होगी भारतीय जनता पार्टी की, निसंदेह इसमें कोई शंका ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से गाँव का, गरीब का, मजदूर का, किसान का, व्यापारी का भला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और जिस तरह से वो स्वावलंबी हुआ है, आत्मनिर्भर हुआ है, तो वो मोदी जी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। लेकिन आज की तारीख में एक और मसला बहुत ज्यादा चर्चा में है, हिंदू राष्ट्र को लेकर। एक तरफ मध्य प्रदेश में ही धीरेन्द्र शास्त्री लगातार देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी ओर सियासत भी जोरों पर है। देखिए अभी हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक लोगों का काम है लोगों का भला कैसे हो, लोगों के जीवन में सुधार कैसे आए, लोगों के जीवन में खुशहाली कैसे आए। ये धर्म का काम धर्माचार्य कर रहे हैं, वो काम उनका है, उनको करने दीजिए। हमारा काम है
लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाना, देश को बदलना, लोगों के जीवन को बदलना, और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है और उस काम को वो कर रही है, इसमें सफलता मिल रही है, श्रेय भी उसमें प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष का ये लगातार आरोप है कि दरअसल बीजेपी सरकार काम तो कर नहीं रही है, केवल विकास का गाना गा रही है, सही है क्या? मैंने आपको क्या कहा कि ये ऑन रिकॉर्ड है, आज से सात आठ साल पहले का 70,000 मेट्रिक टन का खरीदी हमारे यहाँ थी, आज वही सरकारी खरीदी पिछले साल 4.5 लाख मेट्रिक टन हुई है, तो ये अंतर कहाँ जाएगा? ये रोजगार है कि नहीं, ये दिखाई देता कि नहीं देता? हमारे यहाँ जितने अपने अस्पताल हैं, सारे अस्पताल आज चाक चौबंद हो गए हैं लोगों के स्वास्थ्य की जागरूकता के हिसाब से। एक अस्पताल ऐसा नहीं है जिसमें ऑक्सीजन प्लांट नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट तहसील स्थान का। डॉक्टर्स देख लें, अस्पताल देख लें, स्कूल देख लें, अरे सारी व्यवस्थाएं हम चाक चौबंद करते हुए जा रहे हैं, किसानों की समस्याओं का समाधान करते हुए जा रहे हैं, किसानों के जीवन में खुशहाली लाते हुए जा रहे हैं, और कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं। कांग्रेस का एकमात्र काम था नारे देना, गरीबी हटाओ, ये नारा दिया, और गरीबी को तो हटाया नहीं, गरीब को हटाया, गरीब कैसे मर जाए, गरीब कैसे खत्म हो जाए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब को स्वावलंबी बनाया, गरीबी को दूर भगाया, आत्मनिर्भर बनाया। तो कांग्रेस अलग प्रलाप कर रही है। इसके अलावा ये 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या आपको लगता है हिंदू मुस्लिम, रामचरितमानस, हिंदू राष्ट्र, ये सब मुद्दा बनेगा क्या या विकास होगा? एकमात्र मुद्दा रहेगा विकास, विकास, विकास और विकास, विकास ही मुद्दा रहेगा और विकास ही मुद्दा होना चाहिए। और हमारे एजेंडे में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में विकास ही मुद्दा है। आखिरी सवाल, 2024 को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं और क्यों? हम 100% आश्वस्त हैं 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और क्यों? इसलिए क्योंकि हमने इस देश, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस देश का मान भी बढ़ा है, सम्मान भी बढ़ा है, और गांव, गरीब, मजदूर, किसान ये आत्मनिर्भर हुए हैं, उनका मोदी जी के प्रति